आप देख रहे हैं आपका बाजार, दो जानकार हमारे साथ मौजूद हैं जो कि लगातार आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। इस बीच निफ्टी को आप देखिए, दिन के ऊपरी स्तरों पर 8942 के लेवल्स अब बेहद 8950 के करीब कामकाज करते हुए। कुछ दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। आज गुजरात स्पेशल चल रहा है और अहमदाबाद से सुरेश जी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े भी हैं। नमस्कार सुरेश जी, पूछिए। हाँ मैडम, मेरे पास यूपी होल्डिंग की और मैकडोल होल्डिंग के शेयर है। यूपी होल्डिंग मैडम 45 के नीचे, मैं जानना चाहता हूँ कि होल्ड करना चाहिए कि बेचना चाहिए। क्या कब खरीदे थे आपने शेयर्स यूपी होल्डिंग? कब खरीदे थे मैडम? हो गए 6 महीने, हो गए 6 महीने पहले खरीदे थे। चलिए ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। होल्ड करूँ कि बेचूँ, अब कितना टाइम तक होल्ड करूँ? आपको राय दिलवा देते हैं। विवेक काफी अच्छा मूव आज के सेशन में देखने को मिल रहा है, 4.5% तक का, और लेकिन फिर भी इनका जो नुकसान है काफी ज्यादा हो रहा है। अभी और क्या कर सकते हैं यहाँ पर? देखिए पहली चीज तो निवेशक बोलते हैं कि कितने साल तक होल्ड करूं, उनको ये जानना चाहिए कि कर्नाटका हाईकोर्ट ने ऑलरेडी कंपनी को वाइंड ऑफ करने का ऑर्डर दे दिया है। अब हो सकता है वो हायर कोर्ट में जाए, वो बात अलग है, लेकिन ये आपको दिमाग में रखना चाहिए कि पेशेंट ऑलरेडी आईसीयू में है और वो कभी भी मर सकता है। तो वैसी कंपनी को आप लेके क्या करोगे मुझे तो पता नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज, इसमें होल्डिंग्स होगा, काफी शेयर्स के होल्डिंग है। आप अगर होल्डिंग वैल्यू देखोगे तो मार्केट कैप से काफी ज्यादा है, लेकिन एक और चीज आप दिमाग में रखिए, जितने भी लोन वेरियस किंग फिशर ग्रुप ने लिए थे उसका गारंटर है ये यूबी होल्डिंग। तो अगर कल ये बेचता भी है कोई शेयर होल्डिंग तो वो पैसा पूरा जो भी बैंक से जहाँ पे लोन पेंडिंग है वहां पे जाने वाला है। तो शेयर होल्डर को तो आपको लास्ट में क्या मिलेगा वो आप ही सोच सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो आप निकल जाइए, कोई फायदा नहीं है इसको रख के। राइट, चलिए तो यहाँ पर आपको राय भी मिल चुकी है। इसी बीच कुछ अर्निंग्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं। कैस्ट्रॉल इंडिया के नतीजे आए हैं। रेवेन्यू फ्रंट पर अगर आप देखें तो मार्जिनल डिप ईयर ऑन ईयर देखने को मिला है, लेकिन जो मुनाफा है 155 करोड़ तक करा है और यहाँ पर एक बढ़त पिछले साल के मुकाबले देखने को मिली है। ऑपरेशन परफॉर्मेंस में भी एक बढ़त देखने को मिली है और इन्हीं नतीजों की बारीकियों को समझने के लिए हमारे साथ कंपनी की मैनेजमेंट भी जुड़े हैं। मिस रश्मि जोशी हैं, CFO हैं कैस्ट्रॉल इंडिया के। मैम बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर आपका और शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। सबसे पहले नतीजे पर ही जानना चाहेंगे कि इस बार की जो अर्निंग्स रही हैं मोरलेस स्टेडी रही हैं, क्या कुछ की कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स रहे और क्या बीती तिमाही में डिमोनेटाइजेशन का कुछ इंपैक्ट आपको देखने को मिला? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन द शो एंड गुड मॉर्निंग टू यू। सो जैसे कि आपने कहा है, कैस्ट्रॉल के नतीजे बहुत ही अच्छे रहे हैं। आप अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो वॉल्यूम ग्रोथ है जो 2% है और डिस्पाइट डीमोनेटाइजेशन, एंड आपने डीमोनेटाइजेशन की बात की तो इसका इम्पैक्ट कैस्ट्रॉल के नतीजों पर हुआ है। वॉल्यूम हमारी ग्रोथ 8-10% और हो सकती थी अगर डीमोनेटाइजेशन नहीं होता। यू कुड हैव प्रॉबली सीन बेटर रिजल्ट्स इन द फोर्थ क्वार्टर। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है आप अगर पूरे साल के नतीजे देखो तो 4.5% की जो बढ़ोतरी है वॉल्यूम में वो काफी अच्छी है। आप पिछले 5 सालों से देख रहे हो कैस्ट्रॉल के वॉल्यूम्स ग्रो नहीं हो रहे थे जी। तो ये फुल ईयर वॉल्यूम 4.5% जो है वो इन लाइन विद मार्केट ग्रोथ है और हमारी जो स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट एरियाज है पर्सनल मोबिलिटी, वहाँ पे हमारी 10% वॉल्यूम ग्रोथ हुई है। पावर ब्रांड में 15% हुई है। okay. उस हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे सेट ऑफ नंबर्स हैं। अगर आप बाकी भी कॉस्ट देखो तो बिलो इन्फ्लेशन हमने कॉस्ट मैनेज की हुई है। व्हाइल वी आर स्टिल इन्वेस्टिंग इन ब्रांड्स एंड पीपल कैपेबिलिटी एज वेल एज कस्टमर रिलेशनशिप्स एंड कैश फ्लो भी बहुत अच्छा रहा है। तो हमने डिविडेंड 20% से ज्यादा बढ़ाई है इस साल, स्पेशल डिविडेंड देके। सो ओवरऑल नतीजे बहुत अच्छे हैं। एंड जो डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट है हमने Q4 में देखा है। आगे जाके अभी इतना क्लियर हो नहीं रहा है कि एग्जैक्टली क्या इम्पैक्ट होगा, लेकिन लुक्स लाइक द इकोनॉमी कुड यू नो स्ट्रगल फॉर अ वाइल बिकॉज ऑफ डीमोनेटाइजेशन, स्पेशली ऑन द डिमांड साइड एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। व्हीकल सेल्स हमने लास्ट 3 महीने में देखे हैं कि नेगेटिव रहे हैं जी, जिसका इम्पैक्ट कैस्ट्रॉल पर हो सकता है। okay. आगे जाके चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि मैम अपना समय हमें देने के लिए। समय का थोड़ा अभाव है इसलिए आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। इस बीच एक और अहम खबर आ रही है और लगातार जी बिजनेस आपको एक खबर बताता भी आ रहा है कि HCL टेक
अब बायबैक कर सकती है। आईटी कंपनियां बायबैक करेंगी, ये खबर आपको सबसे पहले जी बिजनेस से बताई थी। और इस खबर के बाद क्रम बाय क्रम अलग अलग कंपनियां, चाहे एम्फेसिस हो, विप्रो हो, टीसीएस हो और अब एचसीएल टेक, अपना बायबैक कर सकती है। कंपनी के पास स्ट्रांग कैश फ्लो की सिचुएशन है, उसी कैश फ्लो का इस्तेमाल करने के लिए तमाम आईटी कंपनियां बायबैक कर रही हैं। एक अहम चीज ये भी आपको बता दें कि लगातार जी बिजनेस तो आपको ये बता ही रहा है कि बायबैक कर सकती है आईटी कंपनियां, लेकिन एक इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है वो ये भी है कि जो बाकी पीई फर्म्स और इन्वेस्टर्स हैं कंपनी के, वो कंपनी के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि डिस्पाइट पुअर सेल्स परफॉर्मेंस बायबैक यहां पर करने की बातचीत तमाम कंपनी की तरफ से हो, यानी कि बायबैक करा जाए कंपनी की तरफ से भले उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी ना हो। तो ये एक प्रेशर बाकी जो बड़े इन्वेस्टर उनकी तरफ से भी आ रहे हैं। हालांकि एचसीएल टेक ने इसमें अपना वर्णन दिया हुआ है कि कंपनी में जो भी खबर बायबैक की आ रही है उसको महज एक रूमर के तौर पर देख रहे हैं। करीब कंपनी के पास 2200 करोड़ रुपए के आसपास की नकदी है। अंचल मौजूद भी है तमाम डिटेल के साथ। अंचल, लगातार जी बिजनेस ये बात बताता रहा है कि बायबैक आएगा आईटी कंपनियों में, पहले टीसीएस, विप्रो, एम्फेसिस और अब एचसीएल टेक, क्या डिटेल है आपके पास? बिल्कुल समझ, आपने देखा सबसे पहले जी बिजनेस ने बताया था कि आईटी कंपनियां बायबैक करती हुई दिखेंगी और कहीं ना कहीं टीसीएस ने उसे वैलिडेट भी कर दिया। अब उसके बाद एचसीएल टेक की बारी आ रही है और जो मार्केट बज इस समय ये है हमारे सोर्सेज से जो आ रहा है कि करीब 2200 करोड़ की नकदी है कंपनी की जिसका इस्तेमाल बायबैक के लिए किया जाएगा। और आपने सही कहा, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो पी इन्वेस्टर्स हैं, उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है इस समय कंपनी के ऊपर बायबैक करने का। और साथ ही साथ जिस तरह से बाकी आईटी कंपनियां बायबैक के लिए प्लान कर रही हैं तो उसी कंपटीशन को देखते हुए आप जल्द ही एचसीएल टेक भी लाता हुआ दिख सकेगा। अभी फिलहाल ये खबर सूत्रों के हवाले से एक मार्केट बस के बेसिस पे आ रही है। हालांकि मैनेजमेंट ने कहा है कि ये प्योर रूमर है, अभी कंपनी कोई योजना नहीं है। लेकिन आपको याद होगा सुमित, पहले भी टीसीएस के केस में हमने ऐसी ही मार्केट बस पे शुरुआत की थी और फाइनली वो खबर वैलिडेट हुई थी। तो कहीं ना कहीं एचसीएल टेक अब आपके रडार में रहना चाहिए, अगला कैंडिडेट होगा आईटी स्पेस में। 2200 करोड़ की नकदी है, उसका इस्तेमाल अब बायबैक के लिए कर सकती है कंपनी, फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर है जी। आपको ये भी बता दें कि एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अगर ये बायबैक आता है 27,900 करोड़ रुपए ये कंपनी की मौजूदा नेटवर्थ है और बायबैक की जो कीमत होगी रफली 6,500 करोड़ रुपए के आसपास आती हुई दिखाई पड़ सकती है। एक आकलन इस तरह से भी लगाया जा रहा है कि क्योंकि सभी कंपनियों का जो बायबैक है वो अब तक आया है करीब करीब 15% प्रीमियम के आसपास, यानी कि एचसीएल टेक का जो मौजूदा स्तर है वो 850 रुपए के आसपास है। अगर 15% के प्रीमियम के हिसाब से देखा जाए तो एचसीएल टेक का जो अगला बायबैक, यानी जो बायबैक देगी कंपनी, वो कहीं 970 या 960 रुपए की रेंज में ये बायबैक आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। पुराने सभी आंकड़ों को उठा के देखें, चाहे कॉग्निजेंट हो, $58 पे उनका शेयर होता था जब उन्होंने बायबैक दिया करीब 10% प्रीमियम पे, टीसीएस हो करीब 16% प्रीमियम पर उन्होंने बायबैक दिया, और अब एचसीएल टेक में भी ये एक आंकलन लगाया जा सकता है कि तीनों कंपनियों के जो ट्रेंड है उसको फॉलो करते हुए अगर बायबैक आता है तो 960-970 रुपए के आसपास बायबैक आ सकता है। और करीब करीब 27,294 करोड़ रुपए कंपनी की नेटवर्थ है। अगर बायबैक आता है तो रफली 25% जो कि टीसीएस केस में आया था उसी हिसाब से अगर आता है तो रफली 6,500 करोड़ रुपए के आसपास का बायबैक आने की उम्मीद लगाई जा सकती है।